नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तुला राशि के सभी दर्शकों का। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, मंगल शनि की राशि कुंभ में गोचर करने वाले हैं। तो 5 तारीख से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? वैसे तो मंगल 4 तारीख को ही रात्रि के 8 बजे सोमवार के दिन राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे 5 तारीख की सुबह से देखने को मिलेंगे। तो 5 तारीख की सुबह से आप लगाइए अगले 45 दिन जो है आपके लिए कैसे बीतेंगे, इन सब बातों पे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या वर्तमान स्थिति बढ़िया रहेगी? कोरोना काल चल रहा है, महामारी का टाइम चल रहा है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक मंदी का दौर है, नौकरी व्यापार कैसा रहेगा, शिक्षा और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर मैं आपको एक संक्षिप्त में जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता चल सके इन 45 दिनों में मंगल की वजह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा और पालन करिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। मंगल का या गोचर पंचम भाव में हो रहा है। मंगल आपकी राशि के लिए दूसरे व सप्तम भाव के स्वामी है। यह गोचर आपके लिए अच्छे अनुभव लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि मंगल जो है आपको बलवान बनाएगा, आपके वक्त को थोड़ा बलवान बनाएगा, ताकतवर बनाएगा वक्त को। तो आपको संतान का सुख मिलेगा, स्त्री का सुख मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं संतुष्ट हो गया, संतुष्टि नहीं होगी सब कुछ होते हुए भी। तो संतान का सुख और स्त्री के सुख में पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं देगा ये गोचर। आपके मन में चंचलता होगी, स्वभाव में क्रोध व उग्रता होगी, मन में छल कपट होगा और बुरी आदतों की भी संभावनाएं बनी रह सकती हैं। गलत संगति के कारण, गलत सलाह के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इस गोचर काल में आपकी नौकरी में बदलाव आएंगे। आप पुरानी नौकरी छोड़ सकते हैं या छूट सकती है और नई नौकरी की तलाश शुरू कर देंगे। तेजी से शुरू करेंगे तो कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप या आपके बच्चे पहली बार नौकरी ढूंढ रहे हैं या फर्स्ट टाइम है नौकरी ढूंढने का, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको नौकरी मिल जाएगी, भले कम पैकेज की मिले, मनपसंद जगह पे ना मिले, लेकिन काम चल जाएगा। वैवाहिक जीवन बढ़िया, लेकिन संतान को लेकर मतभेद रहेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा सा दिक्कत होगी। या गोचर अच्छा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बच्चों से बार बार तकरार हो सकती है, संतान से तू तू मैं हो सकती है, वो कुछ आपको उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। आपका रुका हुआ पैसा है जो भी कहीं इधर उधर, वो मिलने की संभावनाएं बनती हैं। मांगने की कोशिश करिएगा, प्यार से मिल जाएगा। आपके संतान में क्रोध बहुत होगा और उसको क्रोध बहुत आएगा। अगर संतान जवान है तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, वाद विवाद को बढ़ाइएगा नहीं, नहीं तो परिवार में बहुत तनाव हो सकता है संतान की वजह से। संतान आपकी बात नहीं मानेगी, इस बात का बार बार ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बार बार रिमाइंडर दिलाता हूँ ताकि आपके दिमाग में बस जाए। तो संतान से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से सावधानी रखें, प्रेम संबंधों के लिए या 45 दिन आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, सावधानी रखनी होगी। आपकी एक गलती जो है वो आप पे भारी पड़ेगी और आप एक गलती करके सुधरने की बजाय दूसरी गलती कर देंगे। यानी कोई आपको समझाएगा कि भाई साहब ये गलत कर दिया आपने, बहन जी ये गलत कर दिया, सुधर जाइए ये गलत है। आप कहेंगे अच्छा गलत कर दिया, तो आप कहेंगे लो एक और गलती कर देते हैं। जैसे एक कहावत है ना, फिल्मों में देखा होगा, एक खून की सजा भी फांसी, दूसरी खून की सजा भी फांसी। तो आप कहेंगे एक गलती कर दी तो दूसरी भी कर देते हैं, तो सजा तो दोनों की बराबर मिलेगी। तो इस तरीके का कुछ आपका एटीट्यूड ऐसा स्वभाव हो सकता है, तो इस सबसे बचना चाहिए। आपको पैसा कमाना चाहते हैं तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, सपने बहुत देखेंगे, वास्तविकता की तरफ बढ़िए तो फिर पैसा भी कमा पाएंगे। वर्तमान में रहिए, यानी कि बैठे होंगे घर पे और सपने देख रहे होंगे लंदन अमेरिका के, या सपने देख रहे होंगे हवाई जहाज के और बैठे होंगे घर के सोफे पर, तो फिर काम नहीं चलेगा। सपने देखिए लेकिन सपनों को साकार करने की भी कोशिश करिए और वक्त को बर्बाद मत करिए और सच्चाई का सामना करिए। सपने से पेट नहीं भरेगा, पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मौज मस्ती कम कर दें और सीरियस हो जाए थोड़ा इन 45 दिनों में। हर एक चीज़ को हल्के में मत लें, हवा में मत लें कि हो जाएगा, अरे हो जाएगा कोई बात नहीं, अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, जो होना होगा हो जाएगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। ऐसी जो दलीलें देते हैं कुछ लोग, ऐसी दलीलें आप देना शुरू कर देंगे, देखा जाएगा, देखा वेखा कुछ नहीं जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। सीरियस हो जाइए, संभल जाइए, मेहनत करिए, टारगेट को अपने अचीव करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। हवा पे
तीर मत चलाइए जब तक वास्तविकता में आपके हाथ में तीर कमान ना हो। तो ख्याली पुलाव वाले लोग इन 45 दिनों में बहुत पछताएंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं, पेट की समस्याएं बढ़ सकती है, पेट में रोग हो सकते हैं, पुराने रोग हैं तो बढ़ सकते हैं। जो भी लोग खेल कूद में कैरियर बनाना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए वक्त बढ़िया है। व्यवसाय में दिमाग लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से विवेक से धैर्य पूर्वक काम करेंगे तो कुछ सफलता मिल जाएगी। अगर दिमाग से काम नहीं लेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे, बहकावे में करेंगे तो घाटा हो जाएगा। सट्टेबाजी में जानकारी लाभ दे सकती है, जल्दबाजी में यहाँ पर भी नुकसान है। कुल मिलाकर आपको धन की बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी, जुगाड़ से जोड़ तोड़ करके इधर उधर से पैसा तो आ ही जाएगा, बहुत अच्छा नहीं आएगा लेकिन काम चल जाएगा। व्यापार में दिमाग लगाकर मुनाफा बनाने में आप सफल हो सकते हैं, तो मेहनत जरूर करिएगा। और फिर कहूंगा ख्याली पुलाव में मत रहिएगा, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिएगा, खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। कई बार हमारे खर्चे अगर हम बचा लें, व्यर्थ के खर्चे, तो वो भी एक बचत है, तो ये भी आपके एक बचत के रूप में निकलेगा। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन बच्चों से लड़िएगा झगड़िएगा नहीं। अगर आप एक बात बोलेंगे तो उधर से भी दूसरी बात आपको सुनने को मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो होता है वो धैर्य से होता है, और धैर्य की कमी रहेगी, और धैर्य को प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करिए ताकि दिमाग शांत रहे। चंद्रमा को अच्छा करिए, शिव जी की उपासना करिए, अच्छा भोजन खाइए, उल्टा सीधा तला भुना ज़्यादा मांस मछली शराब मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन मत करिए। तो ये वक्त तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा बनाने के प्रयास करने वाला समय होगा। सब कुछ अपने आप नहीं होगा, आपको ही अच्छा करना पड़ेगा। तो मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, मंगलवार को गुड़ का सेवन कर सकते हैं, मीठा मीठा बोलिएगा तो सही रहेगा। और बाकी जो मैंने 2-3 उपाय बताए इनको करते रहिएगा तो आपके लिए यह मंगल का जो गोचर है, अगर आप संभले नहीं तो तकलीफ हो सकती है। हरिओम, नमस्कार।